और चलिए अक्षम्य में अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर के चोले में गैंगस्टर, जिस पर चला है 100 करोड़ का कानूनी हंटर। एक शख्स जो डॉक्टर से गैंगस्टर बना, जिसने कई युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। करीब 7 साल से ये मेडिकल माफिया बड़ा खेल कर रहा था, लेकिन जब कानून का हंटर चला तो माफिया और उसके साथियों पर जबरदस्त कार्रवाई हुई। डॉक्टर से बना गैंगस्टर, अब चला कानून का हंटर। सलाखों के पीछे माफिया, 2 साथियों की तलाश। 103 करोड़ की संपत्ति पर कानूनी चाबुक। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की शामत आ गई है। योगी सरकार में हंटर चल रहा है, माफिया जेल में है और बाहर संपत्ति पर चाबुक चल रहा है। ये चिकित्सा माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। गोरखपुर में जिस माफिया ने नर्सिंग होम और फर्जी मेडिकल कॉलेज के नाम पर कई छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उस माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। नाम है अभिषेक यादव। डॉक्टर से गैंगस्टर बने माफिया अभिषेक यादव समेत परिवार के 5 सदस्यों की 1 सप्ताह से घुरकी चल रही थी। अवैध तरीके से कुल चल अचल संपत्ति की 103.5 करोड़ रुपए जिसकी घुरकी की गई है, जिसकी की कीमत 81.11 करोड़ रुपए आंकी गई। इनके ऊपर जो बने हुए भवन हैं उनकी कीमत 18.95 करोड़ से भी ज़्यादा आंकी गई। इसके साथ साथ जो इनके वाहन सीज हुए हैं उसमें या जब्त हुए हैं उनकी कीमत 32.40 लाख आंकी गई है, और जो इनके बैंक खातों में पड़ा हुआ कैश है या जमा कैश है उसकी कीमत 3.51 लाख से भी ज़्यादा की आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत 103.05 लाख रुपए आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को विधि अनुसार नियमानुसार जुर्म किया गया है। नर्सिंग होम और पैरामेडिकल कॉलेज चलाने वाले 5 आरोपियों को पहले ही पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेज चुकी है, जबकि 2 साथियों को पुलिस की तलाश है। माफिया अभिषेक यादव पर संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने 8 जनवरी 2022 को कोतवाली में मामला दर्ज कराया। 16 सितंबर को कोतवाली थाना पुलिस अभिषेक यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। डॉक्टर अभिषेक पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है। बहुत से ऐसे दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, उनकी कूट रचना की गई। इन संबंध में जब शासन प्रशासन को जानकारी हुई तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसी वर्ष इनके और इनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इनको रिमांड पर लिया गया। साथ ही साथ जो लोग जेल से बाहर से उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया। कुर्क की गई संपत्ति में आरोपी के चिन्हित भूमि, भवन, नर्सिंग होम, कॉलेज, 8 वाहन के साथ ही अलग अलग बैंकों के 15 से अधिक खाते सील हुए हैं। माफिया अभिषेक यादव और उसके साथियों पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रवेश लिया गया था। साल 2015 से मिलकर ये गिरोह चला रहे थे। जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार इनके द्वारा अर्जित की गई ऐसी भूमि, उनके ऊपर बने हुए भवन, बैंक के खातों में इनकी जमा रकम और साथ ही साथ जो वाहन इनके द्वारा इस क्राइम के माध्यम से अर्जित किए गए थे उनका डिटेल 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत विगत 1 हफ्ते में इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की धारा के तहत इनको स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुर्क किया गया है। गोरखपुर में पिछले 8 साल में डॉक्टर अभिषेक यादव अपने सहयोगियों के साथ शिक्षा और मेडिकल माफिया के रूप में अपना तंत्र खड़ा किया। हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनसे मोटी रकम वसूली गई। इस माफिया की जंगल लगा नंबर 2 में राज गौशाला, हुमायूंपुर में राज नर्सिंग होम, हॉस्टल और आवास पर कार्रवाई हुई है। साथ ही पैरा मेडिकल, जिसकी कीमत 99.21 लाख है, उसे भी कुर्क कर लिया गया। साथ ही 2 कार, 2 बाइक, 4 स्कूली बस, 1 ट्रैक्टर और 1 गाड़ी जब्त की गई, जिनकी कीमत है 32 लाख 40 हजार। इतना ही नहीं, अलग अलग बैंकों के 20 खातों को जब्त किया गया है। कुल मिलाकर 103 करोड़ 5 लाख 7 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की गई।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।